अस्सलाम वालेकुम, फरीदा की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बटाके और चावल के आटे का क्रिस्पी नाश्ता। यहाँ पर मैंने दो बटाके बाफे हुए लिए, अब छीनी से छीन लेंगे। जब भी आपको टेस्टी खाने का मन कर रहा हो तो ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। ये नाश्ता बच्चों को बहुत पसंद आता है, जो बनाने में बहुत ही आसान है। ये देखिए, बटाके को छीन लिया है, अब इसे बाउल में निकाल लेंगे। ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बन जाता है, आपको टाइम भी नहीं लगेगा बनाते बनाते। सबसे मैं पहले डालूंगी एक कटोरी चावल का आटा, 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर। यहाँ पर मैं चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करती हूँ, आप चाहे तो लीली मिर्ची भी डाल सकते हो। मैंने 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाली है, अब 1 चम्मच नमक। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये बहुत ही कम समय में बनने वाली रेसिपी है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा ही पानी डालना है। मैंने यहाँ पर 2 बटाके लिए थे, आप चाहो तो ज्यादा भी बटाके ले सकते हो। ये आटा चिपक रहा है इसलिए थोड़ा सा तेल लगाऊंगी। हमारा आटा तैयार हो चुका है, अब इसे 3 भाग कर लेंगे। तेल लगाऊंगी, इस तरह से हाथ से हमें लंबा करना है। इस तरह से हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अब इस तरह से एक नया शेप दे देंगे। ऐसे शेप दे देंगे। इसी तरह से हमें सारे बना लेना है। ये देखिए, इस तरह से सारे बना लिए हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए, तेल गर्म हो चुका है, अब इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, अगर आपके पास टाइम ना हो तो ये कम समय में ही बना सकते हो। पहले गैस की फ्लेम को फास्ट रखना है, फिर धीमा कर देंगे। ये देखिए, सारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला। चाट मसाला डालने से बहुत ही टेस्ट लगेगा, इसलिए मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी रेसिपी बनी है, मैं आपको तोड़ के बताती हूँ।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे।